Okay, so hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, let's start discussing about the worksheet related to adverbs. We'll discuss few questions related to adverb. कि हमें exam में जो question है adverb के वो कैसे आते हैं. तो चलो पहले question से discuss करना start करते हैं. She works dash. You have four options. ये fill in the blank है. You have four options. Correct. तो क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है, कौन सा करेक्ट एडवर्ब है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे. सो समृद्ध का आंसर सही है, पुष्पम का सही है, गगन का ठीक है, व्यव्या ने नहीं सही आंसर दिया. करेक्ट, शी वर्क्स, ओके, शी वर्क्स हार्डली, हार्डली नहीं, शी वर्क्स हार्ड. सो समृद्ध का गलत है, पुष्पम का भी, गगन का भी, शी वर्क्स हार्ड है ना, हार्डली नहीं. बार्किंग डॉग डैश बाइट्स, बार्किंग डॉग्स डैश बाइट्स, वेरी गुड गगन. जस्ट और ऑलमोस्ट गलत है, सेल्डम और ऑफन दोनों आ सकते हैं. ठीक है, सेल्डम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. करेक्ट, माइक बंद रखिए प्लीज अपना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्विकली आंसर करेंगे. ये टिक के साथ मत जाना, ये रॉन्ग लगा हो सकता है क्योंकि रिमूव नहीं किया होता. डैश माय मदर गेट्स एंग्री, डैश माय मदर गेट्स एंग्री. देखो ऑलवेज और नेवर दोनों ही क्या है. ओके बिंदु, अभी आपसे पूछूंगी कल क्यों एब्सेंट थे, सो थिंक अ वैलिड एंड अ गुड बहाना. ठीक है, ऑलवेज एंड नेवर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगते. सो समटाइम्स कभी कभी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट, गुप्ता जी मैनेज्ड एवरीथिंग डैश, जल्दी से बताइए. गुप्ता जी मैनेज्ड एवरीथिंग डैश, इसका एक ऑप्शन ऊपर की तरफ है, वो देख लीजिए. हार्डली, फुल्ली, वार्मली, सर्टेनली. सर्टेनली रॉन्ग है. गुप्ता जी ने मैनेज कर लिया तो किया कैसे वो बताना है, कूलली. ठीक है, या कामली, कामली भी हो सकता था यहाँ पे. ठीक है समृद्ध, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो. द स्टूडेंट एंटर द क्लासरूम डैश, स्टूडेंट एंटर द क्लासरूम डैश. क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन करो, थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने में. नाइस, गुड पुष्पम, गुड समृद्ध, गुड गगन. क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, मुझे इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए मेरे लिए भाई प्लीज. फिफ्थ का डी, लाइक दिस यू कैन आल्सो राइट. वेल डन, साइलेंटली. ठीक है, एंटर हुए तो एंटर होने का तरीका बता रहे कैसे एंटर हुए थे. ठीक है, तो स्विफ्टली या तेजी से या फ्रैंकली, लेटली, ये नहीं होगा. ही इज डैश हेल्दी, ही इज डैश हेल्दी. मुझे पता था सबने वेरी बोलना है. He is too healthy. बहुत ज्यादा एक्सेस के लिए ना हम TOO लगाते हैं. ठीक है, we will be back dash. Eight. We will be back dash. Good Samrit. Very good. Almost सबका आंसर सही है. Soon. Nice. Well done. Next. Would you learn dash for board exam? We should learn dash for our board exam. First two option देख लीजिए, last two मैं आपको show करती हूँ. Yes, it's thoroughly. Exam thoroughly होता, thoroughly होता है. ठीक है? Okay. She stopped her car dash. She stopped her car dash. Exactly. कुछ भी लिख रहे हो, जो sense तो बनाओ, कुछ तो sense बननी चाहिए ना. She stopped her car exactly. Exactly के आगे या तो कुछ और लगा होना चाहिए था, कह रहा exactly को कोई मतलब नहीं बन रहा. Abruptly, अचानक से, ये ज्यादा appropriate नहीं है. हमने abruptly क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमें meaning नहीं पता. She stopped her car abruptly.
My grandfather always smiled dash. My grandfather always smiled dash. It's D. Carefully thodi. My grandfather always smiled carefully. Nahin. Happily. वैसे carefully भी ठीक है. It's time to go dash. Always before or never तो कहीं से भी नहीं लग रहा इस पे. तो clear है now. अभी it's time to go now. Right. 12. The plane glided through the sky. Plane glide किया. Glide करने का तरीका देखो कैसे किया होगा. Manner बताना है. अभी आप पे है कि आप कैसे इसको deal करते हो. प्लेन नॉटिली नहीं ग्लाइड करेगा राइट पोलाइटली नहीं हैविली नहीं स्मूथली ग्लाइड करेगा है ना करेक्ट मैनर प्लेन का क्या हो सकता है स्मूथली नॉटिली क्या शरारत करके थोड़ी ना वो ग्लाइड करेगा करेक्ट तो स्मूथली ऑप्शन ए ऑफ कोर्स इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए ऑप्शन ऊपर है इसकी व्हेन द बैंड परफॉर्म्ड डैश एवरीवन लेफ्ट When the band performed, dash everyone left. Read कर लिया question? अब इसके options देखिए. When the band performed, कोई जाएगा क्यों? अगर कोई अच्छा perform कर रहा होगा तो. यानी कि कुछ negation है तो badly. When the band performed badly, everyone left. Correct? Next. In the library, student read their books. Dash. Library में student जोर जोर से किताबें पढ़ते हैं राइट तो लाउडली लिखेंगे हम यहाँ पे कुछ बच्चे भेज रहे हैं मुझे भाई हैं? Silently. Library में silently books पढ़ी जाती है. In the library, students read their books silently. Fans cheered in the cricket dash. यार डैश था द क्लाउड केम ओवर एंड इट स्टार्टेड टू रेन द क्लाउड्स केम ओवर एंड डैश इट स्टार्टेड टू रेन बादल आ गए अचानक से बारिश आएगी स्लोली नहीं आएगी पीसफुली या बैडली नहीं आएगी सडनली कॉमन सेंस है ये तो समझ इतना तो ऑप्शंस पे जाओ पहले क्वेश्चन रीड करो अंडरस्टैंड करो फिर ऑप्शंस पे जाओ करेक्ट आंसर 100% मिलेगा आपको मैं आपके सामने सॉल्व इसीलिए कर रही हूँ कि आपको पता लगे कैसे एग्जैक्टली सॉल्व करना है लाइक अमीशा राइट्स द नोट्स वेरी डैश इन कर्सिव इसकी रेस्ट ऑप्शन भी शो कर देती हूँ पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन अमीशा राइट्स द नोट्स वेरी डैश इन कर्सिव मैं आंसर देखे जा रही हूँ कौन बच्चा कैसे कर रहा है तो नोट्स लिखना है तो अब्रप्टली अचानक तो नहीं होगा साइलेंटली भी नहीं होगा लाउडली भी नहीं होगा नीटली होगा राइट राइटिंग नीट एंड क्लीन होती है नीटली सफाई से है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 द गर्ल्स गिगल्ड डैश ऑफकोर्स फिरेशियसली तो नहीं होगा रैपिडली जल्दी जल्दी नहीं सेफली नहीं नॉइजीली गिगल करना हंसना है ना नॉइजीली इट कैन बी नॉइजीली वेरी गुड ये मुझे कुछ बच्चों ने आंसर क्या दिया है नॉइजीली दिया समृद्ध ने दिया है गगन ने दिया है पुष्पम हमारे रैपिडली कर रहे हैं ताई भी डी पे पहुंच गया सेफली प्रॉब्लम ये नहीं कि इनको आता नहीं था इसका आंसर प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन नहीं समझ आया राइट साई नेक्स्ट द सन शॉन डैश इन द शाइन्स लिखना था सन शाइन्स द सन शाइन्स डैश इन द आफ्टरनून द सन शाइन्स डैश इन द आफ्टरनून वेरी गुड इसका अंडरस्टूड आंसर स्लोली नहीं होगा एक्टिवली नहीं होगा हैवीली नहीं होगा ब्राइटली बिल्कुल सही ओके नेक्स्ट आ जाते The doctor banged her wound. Dash. Very good, Samrit. Good, Gagan. Good, Vibha. Nice, nice. Aagi, aao, aao. Pushpam.
वेरी गुड, केयरफुली कि डॉक्टर है वो वॉमिट को अगर करता है ट्रीट तो वो केयरफुली करेगा, शेमफुली या पीसफुली या वाइल्डली नहीं करेगा. ठीक है, हियर वी हैव फिनिश्ड 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडवर्ब. इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग देन फ्यू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडवर्ब. नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एडवर्ब इट इज. अब यहाँ पे असली परीक्षा है, बताना है कौन सा जो है एडवर्ब है हमारा, राइट? अब पता लगे कितना एडवर्ब के टाइप्स लर्न किए आप लोगों ने. सो फर्स्ट इज द मूवी इज रिलीजिंग टुमारो, इसमें कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब यूज हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है. वेल डन, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है. वेरी गुड, नेक्स्ट चलिए. The teacher often tells a story. The teacher often tells a story. अच्छा, कल मैंने पीपीटी भेजी थी, उस पीपीटी में भी बहुत सारे जैसे है ना पीछे वर्कशीट गिवन है, तो वो भी सॉल्व करनी है. टीचर ऑफन टेल्स अ स्टोरी. ऑफन कौन सा मतलब एडवर्ब है? ऑफन अक्सर, दैट मीन फ्रीक्वेंसी. सो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिए सो दैट मैं बता सकूं किसका सही है. सो फ्रीक्वेंसी पुष्पम ने आंसर दिया है, एक गगर ने दिया है, बाकी किसी का सही नहीं था, गलत. तो इन दो का ही सही है. तुम लोग नाक कटवाओगे मेरी, सच्ची बोल रही हूँ. विजयश्री ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ. विजयश्री ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ. ओके, व्यव्या का ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 में प्लीज मेंशन करो समृद्ध. क्वेश्चन नंबर नहीं है पुष्पम, क्वेश्चन नंबर नहीं है, मैं 0 लगा रही हूँ इसके आपके मार्क्स. गुड जगह, इट्स सी. व्यव्या ने भी सही आंसर दिया है, पुष्पम ने भी ठीक दिया है, बट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखो बेटा, मुश्किल हो रही है ऐसे. इट्स सी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. वेल डन. द चाइल्ड रैन क्विकली टू इट्स मैनर. चाइल्ड रैन क्विकली, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इट इज. क्विकली कौन सा एडवर्ब है? बाकी दो ऑप्शन भी दिखा देती हूँ, क्या पता आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए. Just two options are there. Very good, Samrit, Gagan, good, Pushpam, good. क्या बात साई, आंसर नहीं आया बेटा फोर्थ का? Yes, good. Yeah, good. Very good. A. Manner था, adverb of manner था. The soup is not hot enough. The soup is not hot enough. वेरी गुड समृद्ध, फिफ्थ टाइम है, क्या ही कहने है. जाओ पानी पी आओ, लगता है सारे क्वेश्चन करने के बाद में नींद चढ़ गई है. वेरी गुड पुष्पम, वेरी गुड व्यव्या, बस हो गया सबका. फ्रीक्वेंसी हॉट होने का लेवल बता रहे हैं, राइट? हॉट होने का लेवल बता रहे हैं, करेक्ट. ये डिग्री रहेगी, सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज डिड उत्तम टेल यू व्हेन ही इज कमिंग बैक. डिड उत्तम टेल यू व्हेन ही इज कमिंग बैक. सिक्स का आंसर जल्दी बताइए. डिड उत्तम टेल यू व्हेन ही इज कमिंग बैक. आंसर नहीं आया अभी तक. ओके, व्यव्या रॉन्ग, समृद्ध राइट, गगन राइट, साई रॉन्ग, पुष्पम रॉन्ग, तो कहीं ठीक है बच्चे. कोई एडवर्ब यूज नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है. कंपलसरी नहीं है कि एडवर्ब बोल दिया तो हमने ढूंढ के रखना है, बिना एडवर्ब के बात नहीं बनेगी. देयर इज नथिंग लाइक दैट. चलो, वी आर गोइंग आउट विद कृष्णा. वी आर गोइंग आउट विद कृष्णा. यस, सबका सही है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है. आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस, जबरदस्ती रिलेटिव एडवर्ब है, विद प्रीपोजिशन होता है. इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी टैलेंटेड लीडर. नेक्स्ट ऑप्शन भी शो कर देती हूँ, सेंटेंस पढ़ लीजिए, साथ में ऑप्शन देख लीजिए. इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी टैलेंटेड लीडर. क्या द ऑप्शन? एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, रिलेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी.
वेरी बताया ना, वेरी बहुत ज्यादा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, देखते किसका आंसर सही है ज्यादा। समृद्ध का सही है, गगन का ठीक है, ओके साई का ठीक है, पुष्पम का ठीक है, गुड। बाकी क्या बात व्यव्या पांडे, क्या हुआ बच्चा? नेक्स्ट, द स्टूडेंट मेट देयर टीचर यस्टरडे, जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका तो। द स्टूडेंट मेट देयर टीचर यस्टरडे, वेरी गुड, अंडरस्टूड है, यस्टरडे इज अ टाइम, तो फिर ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर है, करेक्ट। टेन, विराट कोहली इज मच बेटर देन हशीम अमला इन क्रिकेट। ये जिनको क्रिकेटर के नाम पता हो वो तो बड़े आराम से बोल लेते हैं, है ना। विराट कोहली इज मच बेटर देन हशीम अमला इन क्रिकेट, कौन सा एडवर्ब यूज हुआ हुआ इसमें, है ना। मच, बहुत ज्यादा। डिग्री बताइए बेटर की, कितना बेटर, बहुत ज्यादा बेटर। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री बी, 10 का आंसर मेरे को किसने दिया, समृद्ध का करेक्ट आया, ठीक है, पुष्पम का करेक्ट है, साई का करेक्ट है, गगन रॉन्ग, दिव्या का भी करेक्ट है। नेक्स्ट, 11, शी साइंड द डॉक्यूमेंट इमीडिएटली, शी साइंड द डॉक्यूमेंट इमीडिएटली, सिर्फ गगन ने अब सही भेजे। गगन ऐसे है कि पहले डी भेज दो, फिर सी भेज दो, फिर बी भेज दो, फिर ए भेज दो, फिर तो सही है कि चारों में से मैडम कोई तो एक सही ऑप्शन बोलेगी बोलेगी, है ना। इज इट द वे टू सेंडिंग द आंसर, एक बार में भेजो जो भी आपको करेक्ट लगता है, वो फिर चाहे आपका करेक्ट हो या गलत, राइट या रॉन्ग जो भी हो वो आपकी कॉल होगी। शी वॉज टू डिस्टर्ब टू से एनीथिंग, तो मैनर है इसका सी आंसर है, शी वॉज टू डिस्टर्ब टू से एनीथिंग, पता लग जाना चाहिए इसका क्या होगा। 12th का आंसर जल्दी बोलो, टाइम से पहले हमने 15 करने हैं ये पूरे क्वेश्चन। She was too disturbed to say anything. Very good. क्या बात है, ये मैनर बोलने वाले समृद्ध, वाह वेरी गुड, मैनर है ये, T002 है, T002 मैनर है, ये लेवल नहीं दिखाता कितनी डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा। एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं हो सकता ये, मैनर कैसे हो गया। Next, write the difficult word thrice, mother said. Yes, said the mother. Jaldi, write the difficult word thrice, said the mother. I'm not going to show you the option. Write the answer in the chat box. Which type of adverb used in this sentence? Very good, Samrit. Aage bhi aajo bhai, ek Samrit ne answer deke chhod diya, baakiyon ka koi nahi hai. Well done, Vivya. Very good. Next, sirf bas Samrith and Vivya. Baki kisi ko nahi aata. No, Sai wrong. It is not the manner. So, jo inke alawa manner likh rahe ho, wo chhod do, mat likhna. Number bataya hai. Write the difficult word thrice. Matlab likhne ka, write karne ka action kitne baar ho? Thrice. Number of time bataya hai na, to frequency ho gaya. So we have the options, right? So B is the right answer. Topic तब तैयार होगा जब आपको बिना options के answer आने लग जाए, तब मानो कि topic पे अब command है, right? So that is the dismissal of the opener was rather unfortunate. पहली बात तो आधों को ये नहीं पता लगा कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो मैं बता दूं कि रादर एडवर्ब है। जिनको नहीं पता लग रहा कि कौन सा वाला एडवर्ब है, रादर इज एडवर्ब हियर, जो बता रहे कि पहले से ज्यादा या और ज्यादा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये जो मेरे को बी लिख के भेज रहे ना व्यव्या पांडे, दो ही बच्चों का आंसर आया है, एक साई का एक व्यव्या का, साई का करेक्ट है, बाकियों के क्या हो गया, बड़ा और सुमृत, पुष्पम, गगन, हाँ जी। नेक्स्ट, आई एम श्योर आई हैव सीन यू समवेयर, इजी, बहुत इजी, आई एम श्योर आई हैव सीन यू समवेयर, एडवर्ब कौन सा है, समवेयर, समवेयर मतलब
used to tell you the place. So adverb of place is the answer. Correct? Here we have finished with 35 questions related to adverb. Is there any doubt, bache? I am going to send you the worksheets of adverb today. So you are going to solve all the questions. Correct? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट